हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज स्पेशल वीडियो है आप लोग के लिए। यह है हमारे पास महिंद्रा जीवो 245 Ti ट्रैक्टर। तो एक भाई का कमेंट था कि यह राइट साइड का एक्सल जो है इसके अंदर से आवाज़ क्यों आता है, यह बाइक व्हील का एक्सल जो है उसके अंदर से आवाज़ आता है, जैसे कि यहाँ से बैक पोर्शन से यहाँ से लेकर के गियर के बॉक्स के पीछे के हिस्सा में आवाज़ क्यों आता है। तो इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना पड़ा, तो इसके बारे में ही बताएंगे आप लोग को। और सबसे पहले बता दूँ कि आप लोग को आज ईद था, जो कि बकरीद पर्व था, इसलिए जो है मुझे वीडियो लेट बनाना पड़ा, तो सॉरी लेट होने के कारण जो है आप लोग को जल्दी से नहीं वीडियो पहुंचा पाए इसके लिए। तो आज ईद की शुभकामनाएं आप लोग को और ईद मुबारक आप लोग को मेरे तरफ से और मेरे चैनल के तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो इसके पोर्शन में आवाज़ क्या चीज़ के प्रॉब्लम के लिए होता है, आता है इसके अंदर से आवाज़ क्यों आता है, ये बैक पोर्शन पे जो कि ये बिल होता है इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो आवाज़ आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो एक भाई का कमेंट था कि वॉल कम होने के कारण भी आवाज़ आता है, तो सही बात है भाई, इसके अंदर जो है घड़घड़ाहट की आवाज़ हो तो वॉल कम होने के कारण होता है ऐसा, घड़घड़ाहट की आवाज़ और कट कट का आवाज़ आने लगे और बिल जो है ये कोई एक साइड का बिल फंसने लगे, तो इसमें जो है क्राउन बुश शाफ्ट जो होता है वो टूटने के कारण जो है कट कट की आवाज़ आएगा, और एक्सल टूटने के कारण कट कट की आवाज़ आएगा, ये भी प्रॉब्लम आता है। तो मेरे ट्रैक्टर के अंदर क्या है कि वॉइल ख़त्म हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ चेक भी किए थे कम हो गया था। क्या होता है कि यहाँ पे कभी भी ये हाइड्रोलिक का लगाते हैं, ये वायर जो है यहाँ से कभी भी लगाते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है जितना भी वायल रहता है वो कम होते जाते रहते, यहाँ पे जो है वायल कम हो जाता है, यहाँ पे वायल रह जाता है थोड़ा बहुत, तो इसके कारण यहाँ पे भी फंसता है, ये लिफ्ट जो है उठने बैठने में दिक्कत करता है, पर घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगा थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं, ज़्यादा घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रहा है तो उसको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो है ये हाइड्रोलिक के नीचे वाला हिस्सा पूरा वॉइल से डूबा होना चाहिए, गियर बॉक्स जो है थोड़ा कम रहेगा चलेगा, लेकिन ये बैक पोर्शन जो है पूरा वॉइल में भिगा होना चाहिए। इसके अंदर जो है 26 लीटर वॉइल लगता है, हाइड्रोलिक वॉइल 26 लीटर। तो आप लोग को दिखा देता हूँ सबसे पहले कि मेरे ट्रैक्टर में वॉइल कितना कम है, तो इसके लिए मुझे चाबी का ज़रूरत पड़ेगा जो कि रिंच का, तो ये मेरा ट्रैक्टर में रखा हुआ है, उसी से हम खोल लेते हैं। ये हमारे पास ये ट्रैक्टर में दिया रहता है ये पीछे का बिल खोलने के लिए, इसको जो है यहाँ पे रखने के बाद देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम खोल चुके हैं और खोल लेते हैं, दिखाते हैं आप लोग को कितना ऑयल कम है मेरे ट्रैक्टर के अंदर। फिर भी ये जुताई में भी अच्छा काम किया है, देख सकते हो आप लोग कितना कीचड़ लगा हुआ है, अभी हम जुताई करके आए हुए थे, अभी तक कादो किए हैं तो जो है इसको हम धुए नहीं है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये गेजर में कुछ भी ऑयल लगा नहीं हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी ऑयल नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे इस गेजर से जो है यहाँ पे ऑयल लगना चाहिए यहाँ तक, ये गेजर जो है यहाँ के कट जो है लास्ट वाला कम मिनिमम जो है यहाँ तक होना चाहिए, पर जो है यहाँ भी नहीं है, पूरा लास्ट हो गया, तो इसके अंदर मुझे ऑयल देना चाहिए, हाँ नहीं इसलिए मैं ऑयल नहीं दिया इसके अंदर कि इसमें जो है ना ऑयल चेंज करना पड़ेगा, 1000 घंटे पे जो है इसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, 1000 घंटे पे इसका ऑयल, तो इसके लिए जो है वीडियो जो है हम अलग से बनाएंगे, जिस दिन हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर उस दिन हम ये वीडियो बनाएंगे जो कितना लीटर इसके अंदर लगता है वॉइल, और
कौन सी कंपनी के मोबाइल लगता है इसके अंदर, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो यही सब प्रॉब्लम था कि इसके अंदर जो घड़घड़ाहट की आवाज़ आए तो समझ जाना कि मोबाइल कम होने के कारण होता है घड़घड़ाहट की आवाज़। उतना भी होना नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत होना चाहिए। और ये एक्सल आवाज़ कर रहा है, कोई भी एक्सल, जैसे कि इस साइड के लेफ्ट साइड का भी राइट साइड भी का भी, तो इसका मतलब है कि क्राउन में जो शाफ्ट रहता है बिल्ड एक्सल जो है होगा, तो इसके कारण जो है ये आवाज़ आता है। तो यही सब प्रॉब्लम आता है कि कट टूट जाने के कारण जो है आवाज़ आता है, कट कट का आवाज़ आएगा। और यदि टूटा नहीं है तो घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो अच्छा बना हो, तो आप लोग को इतना कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मेरे चैनल का वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। जो भी वीडियो बनाता हूँ भाइयों, जो भी वीडियो बनाता हूँ कि वो जेन्युइन होता है वीडियो, ये महिंद्रा जीवो 245 DI का ट्रैक्टर के बारे में बताए हुए हैं। और 265 DI जो है बड़ा ट्रैक्टर में जो आता है 265 DI, उस पर भी घड़घड़ाहट की आवाज़ आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिंद्रा जीवो में जो है 100% ये घड़घड़ाहट की आवाज़ आता है बैक पोर्शन पे। हाँ, कट कट की आवाज़ आ रही, तो उसको चेकअप कराना चाहिए मिस्त्री से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।